विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 का चुनाव विवादित होने जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को या विवाद करने वालों को 6 फीट जमीन में गाड़ देंगे। अब इस वीडियो के जवाब में बीजेपी के नेता जीतू यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर नजर उठाकर देखने या घूरने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। उनको उनकी हार अब दिखने लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए उनको उनकी हार दिखने लग गई है। बौखला गए हैं, पगला गए हैं, कुछ तो भी बातें कर रहे हैं, कुछ तो भी बातें कर रहे हैं कि यहाँ गुंडागर्दी होती है। अरे आप बताओ पहले के कुलकर्णी भट्टे में और अब के कुलकर्णी नगर में कितना अंतर है। जो मेरी सारी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ जो लास्ट तक मुझे सुन रही है, आप सबके आशीर्वाद से हमारे वहां सुधार हुआ या ना हुआ। देखिए बौखला गए हैं, उनकी हालत सिर्फ कुलकर्णी नगर में ऐसी नहीं है, पूरे 18 वार्डों में उनकी हालत खराब है। कोई भी उनको उनका पर्चा लेने को अगर कोई राजी नहीं है तो बोले जीतू यादव ने बोल दिया तो लोग हमारा पर्चा नहीं ले रहे हैं। अरे वाह यार, जब जीतू यादव की लोग इतनी सुनते हैं तो वोट भी जीतू यादव को देंगे, फिर उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर मैंने किसी को भी ये बोला हो कि आप उनका पर्चा मत लेना, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार मत करना, अरे हमारे वहां मेहमान आए, मैंने भी मेरे घर से उनका स्वागत करा, पर जब उनने देखा कि आम जनता का, जीतू के परिवार के लोगों का रुझान पूरा भारतीय जनता पार्टी की ओर है तो वो ये देख के बौखला गए, कुछ तो भी बातें करने लगे, कुछ तो भी बातें करने लगे, मनगढ़ंत बातें करने लगे। और सुन ले राजू और सुन ले चिंटू, ये यहां से बताओ तेरी औकात नहीं है लड़ने की, बात करता हमसे लड़ तो पाएगा नहीं। और जो बोलता ना कि 6 फीट गाड़ देंगे घर में घुस के मारेंगे, तो सुन किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हाथ मत लगा देना या घूम मत लेना। अरे यार घूम मत लेना, आंखें फोड़ूंगा घूमने वालों की। अगर किसी ने भी मेरे कार्यकर्ता को या भारतीय जनता पार्टी के आदमी को घूर लिया उसकी आंखें फोड़ दूंगा। और सुन ले रे राजू और सुन ले चिंटू, मैं आज तेरे को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे कार्यकर्ता एकजुट हो गए ना तो भागते भगे ठिकाना नहीं मिलेगा। और हमारा रुवाब आज भी वही है, कुलकर्णी नगर कुलकर्णी भट्टे से कुलकर्णी नगर जरूर हो गया है पर आज भी रुवाब कुलकर्णी भट्टे वाला ही है। मारने घर में घुसने, अरे तू विधायक का चुनाव लड़ रही है क्या, लड़ाई कर रही है और तू चैलेंज दे रही है ना मेरे को, एक से में तेरा चैलेंज बता कहा ना है और कैसे लड़ना। नहीं तो जिस दिन जिस समय तेरा मेरा आमना सामना हो गया ना उस दिन अब पता लग जाएगा। और जो शुरुआत तूने इस मंच से करी है ना अब उसको जीवन भर सहन करने की शक्ति रखना। और मैं इन सारी माता बहनों और ये सारे युवा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा निवेदन है कि इस बार जो हमने बातें की है 17 तारीख को अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सबके दादा दयालु के पक्ष में देकर उनके मुंह पर चाटा देना है, सनातन धर्म के विरोधियों को चाटा देना है। देखिए मेरा कोई भी कार्यकर्ता को अगर उसने देखा या कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा। और रही बात तेरे कार्यकर्ताओं की तो वो तो तेरे पास है भी नहीं, कार्यकर्ता तो हमारे पास ही है, परिवार तो हमारे पास ही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
चिंटू और राजू के बरोबर है। और मैं बताता हूं इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में 17 तारीख को जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी और एक बार पुनः दादा दयालु रमेश नंदोला जी पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीत।